इन 10 सालों के खूबसूरत सफर को जानने के लिए थोड़ा सा पहले चलते हैं। हाय गाइस, जोर से थोड़ा। हाय गाइस, गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। वेलकम टू तिलकपुरा फैमिली व्लॉग। और सुबह के बज रहे हैं 11:30 और आज मैं फुल टाइम से किचन में ही थी, तो सबके नाश्ते एक एक का अलग 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 नाश्ते बना के दिए आज मैंने। और अभी मैंने खाने की भी तैयारी कर ली है और आज मैं बनाने वाली हूँ। क्या बना रही हूँ? बना तुम्हारी फेवरेट चीज़ है, क्या बताओ? पातोड़े की सब्जी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट में चावल की गोनी लेने के लिए। चले चलो। और कल है ना? हाँ, कल दक्ष आ जाएगा सुबह। और कल रात को मैंने क्या किया था, मैं और शियानी राउंड मार रहे थे अपना इधर गार्डन में रात को। तो है ना, गार्डन के सब गेट बंद करके मैंने टफी को खुला छोड़ दिया और वो मेरे पीछे पीछे ही चल रहा था। और वो मैंने बताया कि कुणाल इसको इस टाइप से भगाओ, तो उसको भगाया करा। मस्ती आज तक कभी मैंने ऐसा छोड़ा नहीं था उसको, ऐसा मेरे पीछे बिना बेल्ट के देख के अच्छा लगा। और देखो, आज ये साफ कर दिया हम लोगों ने, मतलब मनीषा दी ने, क्योंकि उन्होंने बोला मैं आज ये साफ कर देती, तो उन्होंने ये साफ कर दिया और हम अभी साफ कर रहे हैं। देखो, आटे की चक्की जो कि थोड़ी गंदी हो चुकी है, तो उसे भी साफ कर लेते हैं। काफी देखो, धूल 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 ऐसे खुले रख देना फिर उसको। धूल नहीं, मतलब आटा आटा बहुत सारा हो गया ना, तो उसको अभी ये भी साफ कर रहे हैं। थक गए। अरे बाबू, उसकी पूछ इस पे कर रहा है क्या? वो बिग पे आगे। हाँ बोलो, कौन है बाला? मेरे को कब मिलने आ रहे तुम जलगांव कब आ रहे? नारे कब आ रही मिले? तो डेंजर है। बैटरी लो, घर में भी रहती है बैटरी, लो कैसे रह सकती तेरी पूजा? चलिए, भूख लग रही है आपको? कितनी जोर से? इतनी नहीं लगी क्योंकि मैं दोपहर को लेट खाया था ना। तो तुम्हारे चक्कर में बेचारी बच्ची को अभी तुमने वो करा ना। अभी ऐसे कंटिन्यू बोलते रहते, ऐसे खाया नहीं जाता है मुझसे, मतलब ऐसे काम रहता है और ऐसे लगता है कि मैं खा रही हूँ और सब मुझे देख रहे हैं, इसलिए मैं खाती नहीं हूँ। अच्छा, अजीब लगता है पर मुझे बहुत भूख लगती है। पर तेको पता है कुणाल ने क्या बोला था मेरे को, कि मैं निकलूंगा तब मैं कॉल करूंगा। तो आधे रास्ते पे मुझे कॉल किया है उन्होंने और अब मैं खिचड़ी बनाऊंगी। गलती देख वो इंसान की, उस दिन भी तेरी खिचड़ी इन्हीं इंसान के कारण हुई। नहीं खा रही थी मैगी, पर मैं आ रही थी, पूरा मेरा मूड था कि चमकी भी चावल खाने और किचन में गई, मैंने कहा मैगी ये तो मेरे लिए ही होगी। फिर मुझे कहा आज हमसे पहले चांदनी खाएगी, उसके लिए बननी भी चाहिए। शिवानी सबसे पहले चांदनी को परोसो। चलेगा, ठीक है, चांदनी। मैं मेरे पति के भरोसे कभी नहीं रह सकती, इसलिए बना दी मैंने, बन चुकी है। नाउ यू आर हैप्पी? बहुत ज्यादा। भाई उनके भरोसे मैं इस चीज में कभी नहीं रह सकती। थैंक यू शिवानी। यस यस। और खिचड़ी बन चुकी है। सच्ची डर लग रहा था, बना ली थी मैंने। अच्छा, मेरे भरोसे नहीं रही। चंदू बैठ, तो पहले खाना खा। देखा, हम दोनों की थाली नहीं, स्पेशल तेरे लिए थाली लगाई है। चल, क्या? ओ,
क्लीन कर दिया गया। जब जब इतना बिखरा हुआ रहता तुम लोग नोटिस करते हो, जब क्लीन होता तुम नोटिस नहीं करते हो, इसलिए बेटर है, बिखरा ही हुआ अच्छा है वो। अच्छा साफ लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आप कोई चीज नहीं रखेंगे, आ जाएगी हमारा ऐसे रहता है। बेस्ट प्लेस टू कीप एवरीथिंग देयर है ना चांदनी। ओहो जोड़ीदार। आज चांदनी किसी से बात नहीं करना, अभी खाते हैं। उसे बस पे कंसंट्रेट करना। और अभी आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, पूजा अभी ने ना पीयू दीदी और जिया जी के लिए वीडियो कराया था मोबाइल पे। तो हम लोग वीडियो दिखाना रह गया था, तो अभी हम लोग वो वीडियो देख लेते। स्क्रिप्ट कल्पेश भैया ने लिखी थी और बहुत अच्छी आइडिया थी, और हम लोग वो प्रोजेक्टर पे नहीं दिखा पाए, पर आपको इस वीडियो में अभी हम लोग दिखाते थे। फिर उसका सभी को नमस्ते, मेरा नाम है पूजा और आज एक मैं कहानी बताने आई हूँ। इन 10 सालों के खूबसूरत सफर को जानने के लिए थोड़ा सा पहले चलते हैं। राजेश और प्रियंका की मुलाकात 2013 में फेसबुक के जरिए हुई थी। दोनों ने फेसबुक पे चैटिंग करते करते एक दिन मीटिंग करने का फैसला किया। राजेश के पेरेंट्स का आशीर्वाद था कि जो तुझे प्रिया हो उससे ही तेरी शादी हो, और यह प्रियंका के मम्मी पापा ने कहा, हमारी ये दुआ है कि तुझे तेरे सपनों का राजेश कुमार मिले, और भगवान ने दोनों की पुकार सुन ली। 17 फरवरी 2013 में राजेश और प्रियंका का विवाह एक पवित्र बंधन में बन गया। शादी के बाद दोनों ने अपने खूबसूरत पलों को जीना शुरू किया। कुछ सालों बाद यानी 2016 में राजेश ने अपनी अगली पढ़ाई पूरी करने के लिए यूएस जाने का फैसला किया। करीब 2 सालों तक इन दोनों ने एक दूसरे से दूर रहना पड़ा। इस दौरान राजेश ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली और उन्हें जॉब भी मिल गई। 2 साल की लंबी जुदाई के बाद प्रियंका यूएस गई। वहां जाने के बाद दोनों ने फैसला किया कि अब उन्हें 2 से 3 हो जाना चाहिए। 2018 में उन्हें गुड न्यूज का पता चला तो दोनों की खुशियों की कोई सीमा नहीं रही। अपनों से दूर रहने की वजह से विदेश में कुछ फैसले लेना आसान नहीं होता है, इसलिए प्रियंका ने इंडिया आने का फैसला किया और 15 मई 2019 को जन्म हुआ इनके राजकुमार विवान का। इस खुशी के मौके पे परिवार के सभी लोग मौजूद थे, अलावा विवान के पापा राजेश के। विवान को गले लगाने की चाहत राजेश के दिल में तो बहुत थी, लेकिन ये वो दौर था जिससे पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। कोरोना के चलते राजेश का इंडिया आना नामुमकिन था। बच्चे को गले लगाने की चाहत को लिए राजेश को करीब 2 साल तक लंबा इंतजार करना पड़ा। 2021 में वो लम्हा आखिर आ ही गया जिसे पूरे परिवार को इंतजार था, लेकिन उससे भी ज्यादा तड़प थी राजेश को अपने बेटे को गले लगाने की, और वो पूरी हुई इनके इंडिया आने के बाद। आइए आपको दिखाते हैं वो खूबसूरत लम्हा। अभी आपको रुकना ही है, बस खाना है, नहीं अभी खाना है। लो ज्योति। ओके ओके, अभी आराम आराम से, अभी मेन पार्ट है हमारा, अभी हमारा मेन पार्ट है। ये एक मिनट नहीं, वो इतनी जल्दी थोड़ी आएगा सामने तुम्हारे।
आवाज आ रहा है? अरे इधर ही आ जाओ, इधर ही आ जाओ। अरे सेंटर में मतलब क्या? ये पप्पा करा रहे कितना शांत है वो? देखो ना, पप्पी ले पप्पी ले पप्पी ले पप्पी ले पप्पी पप्पी ले पप्पी पप्पी ले पप्पी ले खुश कर दिया उसने, खुश कर दिया बाप रे। हेलो, जिंदगी में कुछ ऐसे ही हसीन लम्हों के साथ साथ कुछ उतार चढ़ाव भी आए, पर इन दोनों ने अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाते आ रहे हैं और हम सब भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इनकी आने वाली लाइफ इतनी ही हसीन और खूबसूरत, खुशियों भरी रहे। थैंक यू।